Good afternoon, Dr. Sparrow. Afternoon, Charlie. Hello, Sparrow. Good afternoon, Bingham. आज की दोपहर व्यस्त रहेगी. दो केस उंगलियों में सेप्टिक के हैं, एक लिपोमा का और चार केस गांठों के. Congratulations. वाकई ये बहुत अच्छा अनुभव है. मतलब शायद तुम्हें याद हो वो क्या मतलब हम कल जो बातचीत कर रहे थे हर्पिस के इलाज के बारे में, तुम्हारा कहना गलत था. मुझे बाद में एहसास हुआ. थैंक यू. मैंने बस यूं ही कह दिया. खैर तुम्हारा क्या ख्याल है उस सीनियर हाउस सर्जन के पद के बारे में? बोलो. ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में? हाँ मुझे पता है. बस मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पद लायक इंसान को ही मिलना चाहिए. बिल्कुल ठीक. गुड आफ्टरनून नर्स. हेलो डॉक्टर बिंगम. गुड आफ्टरनून डॉक्टर स्पैरो. गुड आफ्टरनून. क्या तुमने कल रात को डांस का मजा उठाया? हाँ तुमने? थोड़ा थोड़ा. हमें तुम्हारा पाइप मिला था सीट के नीचे, मैंने संभाल कर रख दिया है. अच्छा किया, उस पुराने पाइप के बिना मेरा चलता नहीं, उसकी आदत सी पड़ गई है. हे अपनी ये खटारा कचरे की वैन सामने से हटाओ जल्दी. हे बात सुनो, कैसे यहाँ नहीं लगा सकते थे? क्यों नहीं, लिखा तो है कार पार्क. मुझे पता है ये जगह मेरे लिए 20 सालों से रिजर्व है. लेकिन यहाँ पर तो काफी जगह है. लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ चारों तरफ कचरा फैले. हाँ आपका कहना भी सही है. ठीक है आप गाड़ी लगाइए. मैं कहाँ जाऊँ लैंसलॉट? वहाँ कैजुअल्टी रूम में पहुँचो, मैं आकर तुम्हारा ऑपरेशन शुरू करता हूँ. शुक्रिया. देखो नर्स, कल ये मरीज दोबारा प्लास्टर करवाने आएंगे तो मुझे जरा याद दिला देना. ओ, पर कल से मैं यहाँ नहीं डॉक्टर, कल से मेरी रात की ड्यूटी है वार्ड में. ओ, ये बात है. अब आप जा सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर. आप कल ड्रेसिंग करवाने जरूर आइएगा. और खिड़की से बाहर झांकने से पहले क्या करना है जानते हैं आप? क्या करना होगा डॉक्टर? खिड़की खोल लीजिएगा. अब आप जाइए. तुम्हें किस वार्ड में ट्रांसफर किया गया है? चैरिटी. ओह तो खाने के वक्त मिलने वाले आ सकते हैं. डॉक्टर को भी तो राउंड लगाना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल लगाना पड़ता है. नेक्स्ट प्लीज. गुड आफ्टरनून. आपको क्या तकलीफ है? जरा यहाँ देखिए डॉक्टर, मेहरबानी करके, बहुत दर्द हो रहा है. अच्छा यहाँ तो गांठ है. नाम से क्या लेना है डॉक्टर, मुझे तकलीफ काफी देर से है. ऐसा क्या? ऐसा करो तुम अंदर आ जाओ, मैं इसे काट कर फेंक देता हूँ. यहाँ आ जाओ. शुक्रिया. बैठो आराम से, सिस्ट निकालनी है नर्स. और सुनो स्पैरो, ये मेरा केस है. अच्छा ये बात इसे है? मैं ही करूंगा क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह कर सकता हूँ. हेल्दी कंपटीशन से अच्छा काम होता है. बात ये नहीं है प्यारे दोस्त, ये मेरा मरीज है. देखा जाए तो ये बहुत गलत बात है कि कोई किसी का मरीज छीन ले. तो फिर ये भी गलत बात होगी कि कोई किसी और बात का गुस्सा किसी और पर उतारे. समझ गए ना?
तुम्हारा इस तरह बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेडिकल काउंसिल से शिकायत करो अगर चाहो तो। जरूर करूंगा। अगर तुम्हारा यही सुनिए, आप में से कौन मेरा इलाज करेगा? दूसरी बात है कि मुझे काम पे भी तो जाना है। अब तुम्हारा इलाज डॉक्टर बिंगम करेंगे क्योंकि इन्होंने तुम्हें पहले देखा है। कांट को निकालने की तैयारी करो नर्स, और ध्यान रहे कि तुम्हारे तरीके भी स्टरलाइज्ड हो। हे, हम भी तो यहाँ पर बैठे हैं। क्या? हम वो, लोग आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। ये अपने आप को समझते क्या है? हाँ हाँ, पता नहीं क्या समझता है। ओ, वो मुझे कहा गया था कि अपनी बारी का इंतजार क्यों नहीं करते? मैंने सब कुछ सुना है। बदतमीजी छोड़ो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना सा कटने पर या खून निकलने पर तुम मर नहीं जाओगे। बिल्कुल ठीक। कहाँ है ट्रीटमेंट कार्ड तुम्हारा? कार्ड? मैं समझा नहीं, कौन सा कार्ड? दरवाजे पर इतना बड़ा बोर्ड लगा है, दिखाई नहीं देता क्या? पढ़ नहीं सकते क्या? मैं आपको समझाता हूँ। कुछ नहीं समझाना, जाओ अपने घर जाओ और कार्ड लेकर आओ। यहाँ क्या चल रहा है चार्ल्स? क्या परेशानी? बहुत परेशानी है। ये नौजवान मुझसे बहुत गलत तरीके से पेश आ रहा है, इसने मुझे धक्का भी दिया। कौन हो तुम? स्पैरो सर। डॉक्टर स्पैरो, आपको पता होना चाहिए ये है सर चार्ल्स हॉपक्राफ्ट, इस हॉस्पिटल के गवर्नर। सर चार्ल्स की उंगली लंच के दौरान कट गई थी, मुझे इनकी स्टिचिंग करनी है। मुझे माफ कीजिएगा सर, मुझे पता नहीं था। ओ, क्या तुम उन्हीं दो डॉक्टर्स में से एक हो जो सर्जरी में जाना चाहते हैं? जी सर। अच्छा हुआ मेरे पास अभी भी उम्मीदवार चुनने के लिए वक्त है। ये तो हद हो गई, किसी ने आज तक मुझे धक्का देने की कोशिश नहीं की। बुरा हुआ दोस्त, मुझे डर है कि तुम्हारे प्रमोशन में फर्क ना पड़े। स्पैरो, मेरे अजीज दोस्त। गुड इवनिंग पैरो। तुम क्या लेना पसंद करोगे? हाँ बोलो, तुम क्या पी रहे हो? जिंजर बियर। लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? ये तो अच्छी है दोस्त, इससे राहत मिलती है। तो कल फाइनल एग्जाम्स हैं। इस बार तो आप पास हो ही जाएंगे मिस्टर बेंसकिन, आप दोनों ही डॉक्टर बन जाएंगे, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मेरी ख्वाहिश है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह एक सर्जन बनना चाहता हूँ। पर ये सौदा घाटे का होगा। यार तुम बहुत मायूस लगते हो, ऐसी स्थिति में एक लड़की मिल जाए तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा। जॉय कहाँ? जॉय तो मुझे मंगलवार के बाद मिली नहीं, और वो भला मुझे क्या सहारा देगी? उसे खुद को सहारा चाहिए। क्या हुआ उसके साथ? बस हमेशा पढ़ाई में लगी रहती है, पता है अब उस पर भी डॉक्टर बनने का भूत सवार है। हेलो जॉय, कैसी हो? आओ बैठो। साइमन बहुत दुखी है। अच्छा, मैं भी दुखी हूँ। इसे दिलासा दो। मुझे भी दिलासा दो। देखा, मैंने कहा था ना, इस वक्त तुम्हें एक लार्ज जिन और टॉनिक की जरूरत है, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन साइमन दुखी क्यों है? थोड़ा हटो दोस्त, उसे लगता है कि वो शायद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ओह, ये तो सबकी परेशानी है। आपका बिल 4 शिलिंग्स, शुक्रवार तक के लिए उधार। एक लार्ज जिन और टॉनिक। शुक्रिया। तुम रिलैक्स हो जाओ जॉय। परेशान ना हूं, यही तो परेशानी है। चीयर्स। मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे। हम तुम्हारे घर चलेंगे, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा क्योंकि मुझे इसका काफी अनुभव है। एक्सक्यूज मी। डरने की कोई बात नहीं है, पहले मैं तुम्हें सुला दूंगा, उसके बाद तुम्हारे कानों में हौसले भरी बातें कहूंगा, और जब तुम जाग जाओगी तो तुम्हें पूरा आत्मविश्वास भराऊंगा। तुम फुसफुसाहटी करना कानों में, मैं तुम्हें जानती हूँ। ओह ओह, हद हो गई। अब मेरी ओर देखो। साइमन, मुझे पूरी तरह से शांति चाहिए। सुनो प्यारे कुत्ते, भौंको मत, घर जाओ, ठीक है? अब मेरी ओर देखो, दोनों आंखों में। अब महसूस करो, तुम्हारा बायां पैर भारी हो गया है, तुम्हारा दायां पैर भी भारी हो गया है। अब ध्यान दो, ध्यान दो। शट अप। उसे बिस्किट दे दो, कबाट में है। जॉय, तुम अच्छी तरह से ध्यान दो, अच्छी तरह से ध्यान दो। अब तुम्हें नींद सी आ रही है, नींद सी आ रही है, सो जाओ। ये लो, अब तुम सोने वाली हो, रिलैक्स रिलैक्स। एक मिनट, सॉरी जॉय, तुम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही हो। वो गलती हो गई। अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोने वाली हो, रिलैक्स रिलैक्स। अब तुम सोने वाली हो, रिलैक्स, सो रही हो। साइमन देखो देखो, ये सो गया है।
टोनी टोनी क्या हुआ, उठो, तुम्हारा एग्जाम भी है कल, उठो। कम ऑन। ओह हेलो, तुम वाकई सुंदर हो, क्या बात है मेरे अजीज दोस्त। हेलो, कैसे हो? हेलो जॉय, पता है तुम कितनी अजीब लग रही हो, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? तुम्हारा मतलब ये चश्मा? क्या है कि लड़की ज्यादातर इस तरह का लुक पसंद करते हैं, मेरा मतलब बुद्धिमान लगते हैं, इससे एग्जाम्स में जल्दी पास हो जाते हैं। पर डार्लिंग, तुम तो चश्मा नहीं पहनती हो ना? मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ सादा चश्मा है, तुम्हें नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम मेंढक की तरह देखना चाहती हो तो सच कह रहे हो साइमन। अब रहने भी दो, चलो एग्जाम देने चलते हैं। मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। ये सर हमें पोस्टमार्टम के बाद मिला, इस आदमी की उम्र 70 थी, इसमें तुम्हें खास बात क्या लग रही है? इसका दिमाग सर। वो तो है, तो बोलो। मैंने तो आमतौर पर होने वाले बदलाव पर ध्यान दिया है सर। तुम कहना चाहते हो ये बदलाव अनयूजुअल है? नहीं सर, देखा जाए तो ये मरीज पागल था, ऊपर से 70 साल का, अरे ये तो होना ही था। और मैं खुद 76 का हो जाऊंगा अगले जन्मदिन पर, शुक्रिया मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मेरी उम्र हो चुकी है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। ओ, ये तो लड़की है जी। तुम मुझे औरों से ज्यादा होशियार लग रही हो, डॉक्टर और लिपस्टिक का मेल नहीं होता। यहाँ और देखकर मुझे बताओ कि ये क्या है। हाँ देखो। ब्लड के वेसल्स। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ आओ, यहाँ पर आओ। आओ ना। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है लड़की, आओ। जी सर। ओ मेरा चश्मा ले आओ, तुम जरा वहां टेबल पर रखा है। अब जल्दी बताओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मेरा चश्मा मुझे दोगी प्लीज? ओह माफ कीजिएगा, शक्लें कभी कभी धोखा दे जाती हैं कि नहीं? अब तुम जाओ, दूसरे को अंदर भेज दो। तुम लोग इतने परेशान क्यों रहे हो, ये तो बहुत आसान है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। I'm sorry, sir. मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। जी सर। मुझे यकीन था कि एक अच्छा डॉक्टर कभी शक्ल नहीं भूलता, लेकिन डॉक्टर्स तो शक्ल के अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं सर। तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाऊं तो? मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा सर, तुम खुद भी तो डॉक्टर हो। जी सर, सॉरी सर। आपकी नाक बज रही है सर, मैं जोर से सांस ले रहा हूं, ऐसी स्थिति में मैं पतली गली से निकल लूंगा। बेवकूफ लोग क्या जमीन पर सिर्फ सोया ही करते हैं? क्यों नहीं, बेचारे थककर सो जाते होंगे। ओहो बात ये नहीं है, मैं जमीन पर लेटा हूं लेकिन सोया नहीं हूं। क्या आप मर गए सर? मुझे नहीं पता, इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं। ओह तो क्या तुम अंडरटेकर को फोन करोगे? बोलो क्या करोगे? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं आपकी जांच करूंगा, दिल की धड़कन सुनूंगा। मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। समस्या तो है, जरा पल्स देखूं। मेरी पल्स बिल्कुल सही है और ना ही मेरी कोई हड्डी टूटी है। तब तो मुझे चिंता नहीं है सर। इस मामले में मैं आपको कंबल में लपेट दूंगा और एम्बुलेंस को बुला लूंगा। मतलब तब तक तो मुझे इस ठंडी और गंदी जमीन पर ही लिटा कर रखोगे जबकि मेरी पीठ में दर्द है उस सड़ी से पुरानी कंबल में जिसमें बिल्ली ने बच्चे दिए थे। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे उठाने की कोशिश भी नहीं करोगे क्या? ऐसा करने से क्या मैं खुद भी गिर जाऊंगा सर, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे उठाने की कोशिश करो, क्या तुमने स्काउट्स में नहीं सीखा? माफ कीजिए, वहां पर इतने मोटे लोग नहीं होते हैं और मैं स्काउट्स में था ही नहीं सर। ठीक है कोशिश तो करो, देखो तुम क्या कर सकते हो। जी सर। कोशिश करो कोशिश। सॉरी सर। आ,
क्या हुआ? क्या सर लैंसलॉट मर गए हैं? सर लैंसलॉट मरे नहीं हैं, और ना ही तुम एग्जाम में पास हुए मैनस्किन। और भूल भी जाओ, एग्जाम में तो हर कोई फेल होता है। अब ये अंडे छिलना छोड़ो, चलो कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। मुझे कुछ काम है। लेकिन तुम हर शाम तो काम नहीं करती। करना पड़ता है। क्या तुम्हें मौज मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं? मुझे माफ करना, लेकिन काम मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ समझ गया। शायद तुम्हें बोर होना ज्यादा पसंद है। मेरी मजबूरी समझो। चलो सेकंड हाउस नाटक देखते हैं पैलेडियम में, चलो ना। मैंने कहा ना मुझे काम है। एक काम करो, किसी ऐसी को ढूंढ लो जिसे मौज मस्ती पसंद हो। ठीक है, ढूंढ लूंगा। गुड इवनिंग मैकफर्सन। गुड इवनिंग डॉक्टर। मैं वो तुम्हारे लिए कुछ अंडे और बैकन लाया हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मरीज कैसे हैं? सब आराम कर रहे हैं। और तुम कैसी हो? अकेली। मैं यही सोच रहा था, इसीलिए आया हूँ। रात की ड्यूटी करना बहुत बोरिंग होता है। ये क्या है? ये चार्ली बिंगम का है, शायद भूल गया होगा। चलो छोड़ो इसे। बताओ नैन, तुम जैसी सुंदर लड़की क्यों मिलती चार्ली बिंगम से? उसमें क्या खास बात है? ओह चार्ली बहुत अच्छा है, वो मुझे मूवी दिखाता है और कॉर्नर हाउस में खिलाता भी है। कॉर्नर हाउस में? मेरे लिए यही बहुत है, बाकी तो ये भी नहीं करते। यही बात तो मैं तुमसे कहने वाला था कि तुम एक रात मेरे गांव चलो, मेरे साथ खाना खाने, जब तुम्हारी नाइट ड्यूटी ना हो। वहाँ पर एक बढ़िया सा होटल है जहाँ खाना भी अच्छा है। वहाँ पर कैसे जाएंगे? बस में? एक अंडा देना प्लीज। बस से या कार से जाएंगे? क्या तुम्हें कार चलानी आती है? हाँ क्यों नहीं। तो ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। जरा चौक खींचना। अरे ये तो हॉर्न है, चौक तो राइट में है। जरा हटना। तुम भीग गए हो। कोई बात नहीं, बस ड्रिंक लेते ही ठीक हो जाऊंगा। ठीक है तो चलो चलते हैं, यहाँ रुककर क्या फायदा। बहुत जोरों की बारिश हो रही है, ऐसे में घर पहुंचना मुश्किल है। नैन, तुम्हारा क्या ख्याल है, रात यहीं बिता लें? हम यहाँ पर ड्रिंक ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और फिर ड्रिंक। तब तो बहुत मजा आएगा। नैन पता है मेरा भी यही सोचना है, अगर उस होटल में जाते जहाँ खाना अच्छा मिलता है तो शायद लंदन जाने में देर हो जाती। मेरे ख्याल से हम यहाँ रह सकते हैं, तुम्हें आपत्ति तो नहीं? अगर वहाँ का खाना अच्छा है तो चलो चलते हैं। क्या मैं तुम्हारा टूथब्रश यूज कर पाऊंगी? हाँ। अच्छी जगह है, आखिर हम लोग गांव में जो है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। लगता है कि हम दोनों हनीमून की ट्रिप पे हैं। और नैन हम दुनिया के दूसरे किनारे पर हैं। बोलिए। देखिए हमें रहने के लिए जगह चाहिए। मिलेगी। सिर्फ आज रात के लिए। बुक पर साइन कर देंगे प्लीज। जी। क्या नाम लिखो? फिलीमोर। शुक्रिया। आप में से स्पैरो कौन है? क्या आपने यहाँ स्पैरो लिखा है? ओ हाँ, ये तो मेरा ही नाम है। ये है मिस फिलीमोर, हमें दो कमरे चाहिए। मिल जाएंगे, इनसे कहिए साइन करें। हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं,
अंकल के फ्यूनरल में, हम कजिन्स हैं। वो तांबे का व्यापार करते थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। एर्नेस्ट, सामान ले जाओ, मैडम को कमरा नंबर 3 दे दो और इन्हें कमरा नंबर 92। मिस फिलिमोर और मैं कजिन्स हैं। हम लोग अंकल के फ्यूनरल में जा रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर। वे तांबे के व्यापारी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आइए, 92 नंबर कमरा ऊपर है। शुक्रिया, कुछ चाहिए होगा तो बेल बजाऊंगा। बेल काम नहीं कर रही है, वो टूट गई है। उंगली क्यों डाल दी सूप में? तो बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? क्या अदरक और मिर्ची का सूप मिलेगा? नहीं, ये नहीं मिलेगा आपको। तो फिर तली हुई मछली और उबले हुए अंडे ले आओ। देखिए, ये भी आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ की बिल्लियां भी मछलियां नहीं खाती। तो फिर मटन ही ले आओ और फिलहाल 2 विस्की के पैक। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मैंने रजिस्टर देखा और पता लगा आप लंदन से आए हैं। आप लोग वहाँ कौन सा बिजनेस करते हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पाँव के तलवे में कुछ हुआ है। मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दरअसल ऐसा है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पाँव में इस बारे में बाद में बात करें, हमें इस वक्त खाना और पीना भी है। ठीक है। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं, मेरा नाम है मेजर पॉटर। क्या मैं आपसे और आपकी बीवी से परिचित हो सकता हूँ? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। हाँ, हम कजिन्स हैं, अंकल के फ्यूनरल में जा रहे हैं उत्तर की ओर। तांबे का बिजनेस है उनका। जानते हैं डॉक्टर, मेरा केस आपको यकीनन दिलचस्प लगेगा। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि मेरे बचपन में कहा गया था कि मैं 6 महीने जीऊंगा? 6 महीने? देखिए मुझे। मैं कुछ कर सकती हूँ डॉक्टर स्पैरो? नहीं, वो मैं बाथरूम ढूंढ रहा था। आपके माले पर एक है ना? है क्या? मुझे पता ही नहीं था। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा है बात, बिल्कुल आपके कमरे के सामने। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मुझे बहुत फायदा हुआ है। आपको भी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। पहले मैं काम तो खत्म कर लूं, फिर दवाई ले आऊंगा जाकर। राम और गुड नाइट मिस लॉट। बाय बाय डॉक्टर। दूसरा आइए। सर, लैंसलॉट ने तुम्हारे लिए दिया है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। मैं कहता था ना कि जीत हमेशा लायक इंसान की होती है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों तुम्हें मालूम नहीं, मैं ही हूँ नया सीनियर हाउस सर्जन। हाँ, और अब हम जश्न मनाने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम जनरल प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे। गुड बाय प्यारे दोस्त। गुड नाइट डॉक्टर स्पैरो। आपको बहुत जुखाम हो गया है ना? क्या बात है? देख लो डॉक्टर साइमन स्पैरो कैजुअलिटी हाउस सर्जन बने सेंट स्वीथन में 3 महीने के लिए। इस दौरान उन्होंने अपनी ड्यूटी अपनी खुशी के लिए ही की। हस्ताक्षर
लैंसलॉट स्पेरेट, ये क्या है? तो क्या उस बेवकूफ बिंगम को नौकरी मिल गई? हाँ। ये तो बहुत गलत हुआ। मैं सबके लिए ड्रिंक लाता हूँ, तुम पियोगे जॉय? थैंक्स। साइमन? रम और दूध। रम और दूध? मुझे इस बात का बहुत अफसोस है साइमन। मेरे दोस्त साइमन के साथ बहुत बुरा हुआ है। देखो, वो अगर अपने क्षेत्र में इतना कामयाब नहीं होता तो वहाँ पर नहीं होता जहाँ आज वो है। मानती हूँ कि नन बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं, जरा सोचकर देखो। जीन और टॉनिक स्कॉच और ये रहा रम और दूध। साइमन, ये देखो, जरूरत है हाल ही में पास हुए डॉक्टर की ऑफिसर मेडिकल पद के लिए। तनख्वाह 2,000 रुपए पाउंड हर साल, वो भी डॉलर्स में। मैं वो एडवर्टाइजमेंट पढ़कर आया हूँ जो मेडिकल जर्नल में छपा है, पर आप चाहें तो मिलेनियर में भी जा सकता हूँ मैं, वरना क्रूज भी चलेगा। लेकिन डॉक्टर, अब दोनों ही वैकेंसीज खाली नहीं है। लेकिन इश्तेहार तो कल ही छपा। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन हमारे और भी काम है। क्या विदेश जाएंगे? मुझे आपत्ति नहीं, पर मौसम गर्म हो। तो आपके लिए मेरे पास सही जगह है, और वो है एक्रोपोलिस ऑयल कंपनी इराक में। ये ग्रीक कंपनी है, बहुत ही मशहूर। इस काम की अवधि है 5 साल। मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी गर्मी झेल पाऊंगा। क्या आप ईश्वर में यकीन करते हैं डॉक्टर? मुझे सच बताइए, एक मेडिकल मिशनरी की जरूरत है सियाम में। वहां पर तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे आप पुण्य जरूर कमा सकते हैं। इस वक्त मैं अपने लिए थोड़ा कमाना चाहता हूँ। आपके पास और कोई नौकरी नहीं है? वैसे मुझे सर्जरी करना पसंद है, लेकिन फिलहाल जनरल प्रैक्टिस कर लूंगा। क्यों नहीं डॉक्टर, क्यों नहीं? मुझे लगा कि आप किसी और वजह से देश छोड़ना चाहते हैं। नहीं, देखिए, हमारे पास और भी नौकरियां हैं। अब ये कैसा रहेगा? छोटा शहर, वो भी मिडलैंड्स में। असिस्टेंट चाहिए डॉक्टर हैचेट को। मैं उन्हें जानता भी हूँ, बहुत ही गुणी आदमी है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। रहने खाने का खर्चा उनका और हफ्ते की 10 गिनीज मिलेंगी। बोलिए, क्या कहते हैं? ठीक है, मैं ये नौकरी कर लूंगा। आपने सही डिसीजन लिया। मैं आपको डिटेल में सब बता देता हूँ, ताकि आप इसी वक्त साइन कर सकें। इस नौकरी को दिलाने के लिए मेरा कमीशन 33% आपकी तनख्वाह का 1 साल तक, और 5 पाउंड कंसल्टेशन के नगद में। हमें यह लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे भी खर्चे हैं डॉक्टर, आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर हैशेट, मैं डॉक्टर स्पैरो हूँ। अरे कमाल हो गया, मैंने सुबह ही डॉक्टर से कहा, मुझे यकीन है वो नहीं आएगा। मैंने कहा वो अभी तक नहीं आया। आइए कमरा दिखाती हूँ। आप बहुत छोटे लगते हैं। इतना भी नहीं कि पालने में सोऊं। इससे पहले यहाँ उम्र वाले ही काम करते थे। पहले यहाँ थे डॉक्टर क्रिसमस, उनकी उम्र 90 साल की थी, बहुत ही बूढ़े हो गए थे। और यहाँ थे डॉक्टर हिगिन्स, डॉक्टर एडवर्ड, डॉक्टर जोसेफ, सब के सब दादाजी की उम्र वाले। और उनके पहले थे डॉक्टर सोलोमन्स, डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर वू। क्या वो चीनी थे? ऐसा ही बताया था। इसका मतलब कई डॉक्टर्स असिस्टेंट थे आपके? हाँ, यहाँ काफी लोगों ने काम किया है। यहाँ के मौसम में थोड़ी सी ठंड है, लेकिन आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं आदत डाल लूंगा। बिस्तर कम आरामदायक है, लेकिन आदत पड़ जाएगी। गर्मी रहेगी अगर आप खिड़की बंद रखें तो। डॉक्टर वो तो कभी अगरबत्ती जलाया करते थे, क्या आप भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? कभी कभार। मेन गेट की लाइट 11 बजे बंद हो जाती है, आप चाहे तो शनिवार सुबह ना सकते हैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये ऊपर से हुक्म है, क्या करें, मैं अभी इन्हें नहीं मानती। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर कि आप यहाँ आए। लेकिन इस बार तापमान थोड़ा बढ़ गया है लगता है ना? लंदन से थोड़ी ज्यादा ठंड है यहाँ। सच में? मैं तो हमेशा अंदर स्वेटर पहनता हूँ। कमरे को आर्टिफिशियल तरीके से गर्म रखने से तो ये अच्छा है। वो जो बाहर गाड़ी है वो आपकी है? जी। मैं तो आसपास साइकिल से ही जाता हूँ, ताजी हवा लेने के लिए सबसे बेहतर तरीका। अगर आपको अच्छा लगे तो आपस में तय कर लेंगे, तो फिर आप भी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके पैसे मैं आपकी तनख्वाह से काट सकता हूँ, ठीक है ना? ओ, आप मेरी बीवी से तो मिल चुके हैं ना? आपकी बीवी? क्या हम बैठकर बातें करें? डॉक्टर को चाय दो मेरी प्यारी, आपको लाइट चाय पसंद है ना, ज्यादा कड़क चाय भी अच्छी नहीं होती। शुक्रिया। क्या आप लेंगे साड़ी? यहां पर तो 1:30 है, इससे पाचन क्रिया बढ़ती है और ज्यादा खाने का बुरा असर भी नहीं पड़ता, आप मानते हैं ना? हाँ, लगता तो यही है। तो पहले हम आपकी ड्यूटी के बारे में बात कर लेंगे और नाश्ते के बाद मैं आपको दवाई की अलमारी दिखा दूंगा। ईश्वर का नाम लो मेरी प्यारी जैस्मिन। शायद आप इस बात से अनजान थे कि मैं शादीशुदा हूं, है ना डॉक्टर स्पैरो? जी हाँ, बिल्कुल। क्या है कि मेरी बीवी पहले मेरे घर की बाई थी और वो बहुत आकर्षक औरत है, आपने नोट किया होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर हम बातें कर लें आपकी ड्यूटी के बारे में। आप सुबह और शाम सर्जरी के साथ साथ रात को कॉल पर भी जाएंगे। ये है दवाई की अलमारी और ये रही दवाइयां। लेकिन ये सब क्या है? ये सब सैंपल्स हैं, हर दवाई की कंपनी से आती रहती हैं। ये सब खास मरीजों के लिए काम आती है और इससे थोड़ी कमाई भी होती है। मतलब सैंपल के भी पैसे लेते हैं? बिल्कुल, मरीज उस वक्त भरोसा करता है जब उसे दवाई की कीमत देनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत छोटा लगता है डॉक्टर, है ना? फर्स्ट प्लीज। हेलो डॉक्टर, मैं हूँ मिसेस विल्किंस। आज सुबह कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मिसेस विल्किंस, आज की सुबह आपके लिए भी बेहतर हो। सब ठीक ठाक है देखा जाए तो। तो फिर आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है तो यहाँ किस लिए आई आप? दवाई की शीशी लेने आई हूँ डॉक्टर। अच्छा अच्छा, पर कौन सी दवाई? वो लाल वाली डॉक्टर, पता होगा आपको। तो फिर आपको तकलीफ क्या है? गैस। अच्छा, तो आपको गैस की शिकायत? नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे सालों से ये तकलीफ नहीं थी। अगर आपको मेरी सलाह बुरी ना लगे डॉक्टर, तो ये सब चलने दीजिए। ठीक कहा आपने। एक बात तो बताइए, आप ये दवाइयां कब से ले रही है? करीब 15 सालों से। 15? देखिए मिसेस विल्किंस, अब मैं ये दवाइयां आपको नहीं दे सकता। क्या? लेकिन मुझे तो अपनी दवाइयां चाहिए। आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये दवाइयां मैं दिन में 3 बार लेती हूँ खाने के बाद। देखिए, आपको ये बंद करनी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेशंस ने डॉक्टरों को आदेश दिए है कि वे ज्यादा दवाइयां ना दे। मुझे मेरी दवाइयां चाहिए। देखिए, मैं नहीं दे सकता। मुझे दवाइयां चाहिए, मुझे पूरा हक है। मैं हर साल नेशनल हेल्थ में पैसे भरती हूँ। आप चोर है, आप लुटेरे है। क्या हुआ मेरी प्यारी? ये मुझे दवाइयां नहीं दे रहे। ये बात है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम बाहर रुको। ये तो सिर्फ मरीजों को लूटना ही जानते हैं। मुझे सब कुछ पता है। डॉक्टर्स अपनी जेबें गरम करते हैं, यही तो चल रहा है। मुझे मेरी दवाइयां चाहिए। आपने मेरी बीवी को नाराज कर दिया। मुझे माफ कीजिए मिस्टर विल्किंस, मैं आपकी बीवी को बेवजह दवाइयां नहीं दे सकता, ये नियम के विरुद्ध है। मैं आपको याद दिला दूं कि इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नेशनल हेल्थ सर्विस में, उसमें लिखा है कि अगर किसी मरीज को डॉक्टर से सारी दवाइयां न मिले तो उसे हक है कि वो उसके खिलाफ शिकायत कर सके, और अगर मामला मरीज के हक में जाए तो फिर डॉक्टर को उसका जुर्माना भी भरना पड़ता है। देखिए मिस्टर विल्किंस, मुझे ठीक है डॉक्टर, बात को समझिए, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ रूल्स बता रहा था। अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो मुझे आपको मजबूरन निकालना पड़ेगा, नियम के रॉ मुझे सब मालूम है। देखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर कहाँ है? मैं ही डॉक्टर हूँ। आप सच में डॉक्टर हैं? मेरी बात मानिए, मैं ही सच में डॉक्टर हूँ। ओ, तो आप डॉक्टर हैचक के नए डॉक्टर हैं। लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया मिसेस विल्किंस के साथ। आप ये बताइए आपके लिए क्या करूं? मेरी ईवा को तकलीफ है, सर्दी खांसी, ये तो रात भर खांसती रहती है। अच्छा, मैं इसकी जांच करता हूँ। जरा इसकी जैकेट उतारेंगे? उतार दो ईवा। शुक्रिया। जोर से सांसें लो ईवा। मैं तो सिर्फ 16 साल की हूँ।
मेरी प्यारी, मैंने देखा है कि तुमने 400 सेजेस पकाई हैं। मैंने उस डॉक्टर के लिए एक ज्यादा बनाई है, बहुत कमजोर दिखता है। ओ सो तो है। फोन है मेरी प्यारी। ये बहुत हैरानी की बात है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने पाप किए हैं। पाप? कौन किए हैं? जैसे कि नील क्रीम, पामर नाम का एक मुजरिम, और क्रिपन। क्या है कि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनमें जलन की भावनाएं थी। हाँ, हो सकता है। और हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे खूनी होंगे जिनके जुर्म छिपे रहते हैं। आप भी? जो भी हो, किसी भी वजह से हो, है तो जुर्मी ना। डॉक्टर, डॉक्टर। यस यस, कहिए। आपके लिए फोन है, अर्जेंट है, आपके लिए मैसेज है। बहुत शुक्रिया। ठीक है मिसेस हैचेट, मैं देखता हूं। मॉर्निंग डॉक्टर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक? मैं मजाक नहीं करता। लोग तो ये भी कहते हैं कि मुझे मजाक करना आता नहीं। क्या आप बीमार हैं? नहीं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, और आपको मेरा इलाज भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बीवी। क्यों, उन्हें क्या हुआ? वो मर रही है। ओ, मैं उनकी जांच करता हूं। मैं ये कह रहा था कि ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है, उसने मुझे क्यों बुलाया है? मेरे ख्याल से वो सुबह तक रुक सकता है, मैं तो हरगिज़ नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना चाहिए, वो बैंक मैनेजर है, ये मत भूलो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मेरी प्यारी। पता नहीं लोग अपने लिए असिस्टेंट क्यों रखते हैं। क्यों रखते हैं? सुनो, तुम जाकर सो जाओ, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है, बाय। मुझे तो नहीं लगता इन्हें कोई तकलीफ है। ये हॉस्पिटल जाना चाहती है। हाँ, मैं समझ गया, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। मैं मर जाऊंगी। जरा सुनो डॉक्टर, ये हॉस्पिटल जाना चाहती है। आपको सजा मिलनी चाहिए बेवजह रात को डॉक्टर को बुलाने के लिए। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? तो मेरी भी बात सुन लीजिए डॉक्टर, कल सुबह मेरा पहला काम होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाना। मेरे ख्याल में तो आपको यूएनओ में जाना चाहिए। ओ, अच्छी बात है, अच्छा मजाक है। अब आपको पता चलेगा कि किसी से उलझना कितना गलत होता है। मैं कल सुबह ही आपकी शिकायत दर्ज करूंगा, देख लीजिए आपकी डॉक्टरी जाएगी। गुड नाइट। मेरी बात को मजाक ना समझे, मैं करके दिखाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं ये लो। क्यों, चोट तो नहीं लगी आपको? पागल हो गई हो तुम? डॉक्टर सही था, तुम बेकार में ही। अब मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा, डॉक्टर आप मेरे गवाह रहेंगे। रहेंगे ना? हेलो। अरे आप अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही और वो बाहर गए हैं। आप जाकर सो जाइए। मैं सो नहीं सकती, मैं अकेली हूँ, वो भी देर से लौटेंगे। अब चाय पीना पसंद करेंगी डॉक्टर? चाय अभी इस वक्त? महसूस नहीं होता? हाँ होता तो है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। आप तो बात समझ ही नहीं पाते। सुनिए, नीचे से मेरे लिए नींद की गोलियां ले आएंगे, इससे मेरे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। अच्छा ठीक है, आप मेरा यही इंतजार कीजिए। साइमन, मुझे बॉक्स दे दीजिए। मैं आपको ये बॉक्स नहीं दूंगा। साइमन प्लीज, गोलियां दे दो मुझे वो बॉक्स। गोली नहीं लेने दूंगा। आपकी बीवी को नींद नहीं आ रही थी, मैं इन्हें सेडेटिव दे रहा था। गुड नाइट।
खुश हो जाइए मिस्टर बेंसकिन, ये मेरी ओर से मुफ्त आपके लिए। ओह पादरी, आप बहुत ही अच्छे। तारीफ रहने दीजिए, आप पहले भी एग्जाम में फेल हो चुके हैं ना। हाँ, लेकिन इस बार बात कुछ और है। मेरा प्यारा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर चला गया, मुझे उसका ही तो सहारा था। अब मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। कल से कुछ और ही करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेबर एक्सचेंज के जरिए। क्या आप अब भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त ने कहा है कि आप बड़ी बड़ी मेडिकल डिग्रीज दिया। हाँ बिल्कुल, अपनी ड्यूटी करो ना। क्या आप मुझे एक डिग्री दिलवा सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर दिलवा देंगे। अगले हफ्ते आना, काम हो जाएगा। मैं इंग्लैंड से आया, मुझे वापस भी जाना है। ओह अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, देखते हैं। मैं आपकी जांच करने के लिए एक टेस्ट लूंगा। जी? ओरल टेस्ट, ठीक रहेगा? हाँ हाँ जी बिल्कुल। ये सब हम टैक्सी में बैठकर भी कर सकते हैं। चलो मेरे साथ, टैक्सी लो, पकड़ो इसे, आओ तुम भी बैठ जाओ, गोल्फ कोर्स ले चलो। शैमस, अच्छा ये बताओ, तुमने नाश्ता वगैरह किया है? नहीं। अच्छा तो तुम इसे पी लो, बहुत ताकत है इसमें। ओ तो फिर एग्जाम शुरू करें। सोचता हूँ तुम्हें यूरिया के बारे में क्या पता है? आपका मतलब रासायनिक पदार्थ से है मेरे कानों से? दोनों। क्या है कि यूरिया एक सोल्युबल क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो मनुष्य और पशु के शरीर में पाया जाता है। सही है। ऐसा क्या लगता? तो यही है। बहुत अच्छी विस्की है। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। अब अगला सवाल, तुम क्या जानते हो फिब्रिलेशन के बारे में? फिब्रिलेशन? हाँ फिब्रिलेशन, सुनने में अच्छा लगता है ना? हाँ सो तो है, थोड़ा कठिन है। लेकिन किया क्या जाए, बोलो। बिल्कुल सही कहा, इससे मेरे खेल में सुधार आएगा। सही बताया आपने। और अब अगला सवाल, क्या पूछूं तुम्हें बताओ। मैं तो सिर्फ सवाल सोच सकता हूं, लेकिन उनका जवाब देना मुश्किल काम है सर। अब ऐसे में क्या करें बोलो। हाँ अब ये सोचने वाली बात है। तो इसका क्या करें? पता है मैं क्या करूंगा, फोन करके किसी स्पेशलिस्ट को बुला लूंगा। पूरे मार्स, अब भला किसे इस ट्रीटमेंट पर आपत्ति होगी? शैतानों से काम करा, शैतानों से दूर जाने के बजाय तो बात बन जाए। बधाई हो, तुम पास हो गए। इसके लिए 50 गिनीज दो। मेरा इससे काम हो जाएगा। थैंक यू। मैं तुम्हें रिसिप्ट भिजवा दूंगा और साथ में तुम्हारा डिप्लोमा भी। पर क्या ये कानूनी होगा? मेरा मतलब था कि मेरी बात सुनो, अगर तुम जुबली कॉलेज भी जाते तो इतने काबिल नहीं हो पाते। ठीक है। हेलो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपकी मदद करूँ? मुझे कुछ नहीं हुआ। ओह, आप बहुत कमजोर सी लग रही हैं। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ डॉक्टर, मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया, वो भी काफी वक्त पहले, जिन दिनों में पैडल बोर्ड हुआ करते थे, तो मैं उनके बारे में सोचने लगी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ डर्बी हॉर्स शो में। अच्छा, उनके बारे में कुछ पता है? देखिए मैं तो खुद को नहीं, मेरा मतलब घोड़ों से है। नहीं। मैंने तो कुछ घोड़े खरीद भी लिए थे। ओ कितने खरीदे? ओ 20 या 30, कुछ ही याद नहीं। क्या तुम सच में डॉक्टर हो? हाँ मैं हूँ। तजुर्बा है? वो तो मुझे एक की जरूरत है, मेरे पहले वाले डॉक्टर कुछ महीने पहले ही रिटायर हो गए हैं। वहाँ पर आकर मुझसे मिलो, लेडी हॉकिंस, मुझे हर कोई पहचानता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे गले में स्टेथोस्कोप लटका हुए डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन साइन करने होंगे और पढ़ना लिखना तो आता ही होगा। हाँ मुझे आता है। इसके अलावा कुत्तों को घुमाना मेरे स्टाफ की इमरजेंसी के बाद जो वक्त बचता है वो तुम्हारा होगा। हर साल मैं तुम्हें 1000 दिया करूंगी, और तुम्हें मौज मस्ती करनी है तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लेना, मेरे पड़ोस में काफी सुंदर लड़कियां रहती है, मगर अपनी एक्टिविटीज को वेस्ट विंग तक ही सीमित रखना, रसोई तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए।
जब मेरे पति जीवित थे तब रसोइये की नौकरी जाया करती थी, उस वक्त तो काफी काम करने वाले मिल जाया करते थे। उनका देहांत हुए 20 साल हो गए, जब तक जिंदा थे तो हमेशा दक्षिण अफ्रीका में हीरो की खानों में व्यस्त रहते थे। क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? हाँ, मुझे वो चाहिए। इस वक्त तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरे स्टाफ भी सही सलामत है, मैं खुश भी हूँ। हो सकता है शायद मैं कभी मर जाऊँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम जरा बैल तो बजाओ, हम शैंपियन पी लेंगे, मुझे प्यास लगी है सहारा के रेगिस्तान जैसी। डॉक्टर बेंसकिन, कांग्रेचुलेशंस। ओह प्यारे दोस्त, किसने बताया? जॉय ने। मैं बहुत खुश हूँ। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। बेंजर्स लोगी? ओह शुक्रिया। खाकर तो देखो। पर मेरे पास फ्राइंग पैन नहीं है। ओह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सलाद के ऊपर ठंडा करके रख दो और ऑपरेट करो। शायद तुम कहीं काम पर लगे थे। हाँ लगा तो था पर छोड़ दी। इसके पास कोई नौकरी नहीं है। तो क्या हुआ, घर तो आ गया ना? हाँ। वहाँ डॉक्टर की बीवी के साथ थोड़े झमेले हो गए थे, तुम समझ गए ना? ओह ये बात है, ऐसी औरतों को बांध के रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जंजीर से बांध के रखना चाहिए। बहुत अच्छी खुशबू है, क्या है वो? ये तो टीन वाले बेक्ड बीन्स है, पर इसमें कोई गलती हुई है। तुम्हें नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स तो दिए थे ना, चलो अब जाओ। मुझे ये बीन्स नहीं प्लम्स लगते हैं। जॉय मैं तुम्हारी जगह होते तो इसे बिना सोचे पकड़ डालता। एमराल्ड, एक लड़की मिली थी बियर बार में, वो एक डॉक्टर के पास काम करती थी, उसे एक टेम्पररी डॉक्टर चाहिए था पार्कलैंड में, बहुत अमीर लोग रहते वहां पर। मैं उसे फोन करता हूं। मैं नहीं टोनी, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तजुर्बे की कमी है। अब तुम इसकी चिंता मत करो प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारे बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलूंगा, ऐसी तारीफ करूंगा कि। गुड आफ्टरनून डॉक्टर पॉटरशाइन, मैं डॉक्टर स्पैरो। ओ हाँ, अंदर आइए। वो इस वक्त जरा बिजी है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बुरा ना मानिएगा। नहीं जी नहीं। आप वहां बैठिए प्लीज। देखो अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। ये तो कमाल हो गया, डॉक्टर स्पैरो आए हैं। ओ हाँ, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, आप थोड़ा रुकिए। हेलो डॉक्टर स्पैरो, आप कैसी हैं? इसे दूर हटाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फोन करूंगी। ऐसा करते हैं, हम कंसल्टिंग रूम में चलते हैं। प्यारी सी लड़की है। हाँ सुंदर है। ज्यादा जिद्दी, थोड़ी पागल सी है वो। ओह काम की बात कर लें। आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। हाँ तो डॉक्टर, आपके आने से हमें बहुत राहत मिलेगी, मेरे साथी का स्लिप डिस्क हो गया, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है, शायद 3 महीने लगेंगे उन्हें ठीक होने में। उसको हमारी बहुत याद आती होगी, बेचारा। समस्या ये है कि उनकी जगह पर उनके लायक सही इंसान का चुनाव करना मुश्किल है। यहाँ पर काम कुछ अलग हटके है, नेशनल हेल्थ सर्विस अच्छा काम कर रही है, फिर भी कुछ लोग अपने डॉक्टर से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, सही है ना? जी हाँ। पीते हैं? टर्किश और रजीने दोनों हैं। थैंक यू। आप शायद देश से बाहर भी गए होंगे कुछ दिनों के लिए, वो हिमालय की पहाड़ियों पर चढ़ना वाकई रोमांचक रहा होगा। क्या नाम था उसका, मेरे सेक्रेटरी ने बताया था। देखिए मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि आजकल के डॉक्टर्स उतने बुद्धिमान नहीं हैं। देखा गया है कि वो अपने मरीजों को भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं। ओह याद आया, क्या आप मेरे पुराने पार्टनर से मिले हैं? नहीं। वो भी हमेशा पहाड़ियों और जंगलों में घूमने जाता है, शायद एक बार अल्पास गए थे। अच्छा इंसान है, उनकी बहन की शादी किसी ऑस्ट्रेलियन राजकुमार से हुई है। वो मेरा मरीज है, पर अजीब सा केस है। वो डॉक्टर पॉटरशाइन, मैं आपसे कुछ साफ साफ कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं नौजवान, सब कुछ ठीक है, मुझे सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे इंसान की परख है, काश मैं यही बात घोड़ों के बारे में कह पाता। तो फिर आप हमारे लिए काम कर रहे हैं ना? बहुत बहुत मेहरबानी। अगर आपको तनख्वाह के बारे में बात करनी है तो मेरी सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, मुझे पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, खुद को छोटा महसूस करने लगता हूँ इस मामले में। और माफ कीजिए अगर आप कुछ और, मेरा मतलब है थोड़ा थोड़ा और फॉर्मल कपड़े पहने, तो मेरे ख्याल से आपने कपड़े तिब्बत से खरीदे होंगे, मेरे दर्जी से कुछ कपड़े सिलवा लीजिए और बदले में उसका इलाज कर दीजिए। आपको शायद ये बात अटपटी लगे, लेकिन अच्छे कपड़े एक जीपी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हाँ
मॉर्निंग नर्स। गुड मॉर्निंग, पर रेजी तो अभी तक नहीं आए। कौन है रेजी? डॉक्टर है, सभी लड़कियां इसी नाम से पुकारती है उन्हें। ये प्यारा नाम है एरिसमस का। मैं नर्स नहीं एमरल्ड हूँ। पर क्या तुम नर्स नहीं हो? वो मैंने एक बार नर्स का रोल किया था फिल्म में। रेजी को यहाँ आकर्षक नर्स की जरूरत थी, वो अच्छे इंसान है। I see. गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग अमरल। गुड मॉर्निंग। ओहो, ये बढ़िया है, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं। एक बहुत ही बोरिंग दिन आज का। आज के दिन मुझे मिलने जाना होगा मेरे दो बूढ़े मरीजों से। लेकिन आज सुबह सुबह किस फिल्म एक्ट्रेस का फोन आया, उसने कहा कि मुझे लवेरिया हो गया है। बताइए मैं क्या करूं? क्या वो रुक नहीं सकती? देखो बेटे, इस तरह की कॉल्स आती है तो कोई रुकता नहीं है। मैं उस एक्ट्रेस के पास जाता हूँ, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी। तुम ड्यूक के पास जाओ, रोल्स लेकर जाना, समझ गए? ऑफिस का ख्याल रखना अमरल। लेकिन ड्यूक की समस्या क्या है? बस यूजुअल ट्रीटमेंट देना। पर उनका आम ट्रीटमेंट क्या होता है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये रहा उनका कार्ड। एक विजिट के 20 गिनेस? इसमें तो यही लिखा है। डॉक्टर स्पैरो आए हैं जनाब। गुड मॉर्निंग। मुझे फोन आया कि पीटर शाइन नहीं आएंगे। मुझे बताया गया कि आप इस केस के बारे में जानते हैं। देखिए जनाब, मुझे केस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। देखिए विस्तार में मत जाइए, इससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओ, इसकी जरूरत किसे? मेरे घोड़े को खिड़की के पास खड़ा रखा है। घोड़े को? हाँ, कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, अजीब सा, लेकिन क्या करें? आपका मतलब है यूं ही? तो फिर आइए और मेरी जांच कीजिए। करेंगे ना, आइए। पर देखिए तो रोजर, एक बात है डॉक्टर, मुझसे कहा गया है कि ऊंट मंगवा लो। अच्छा? हाँ, क्योंकि जब उस पर सवार होते हैं तो घुटनों के बल बैठते हैं और उसकी चाल धीमी है, बहुत ही आरामदायक। आ जाइए, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए, आपके पास घड़ी है? हाँ है। चलो उसे बाहर निकालो, आप इसे चालू करेंगे? चालू कीजिए ना। तेरे की हमेशा यही गलती हो जाती है। लेकिन नॉब कहाँ? शायद यहीं कहीं होगी, ये ठीक रहेगा। बस 10 मिनट, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, 10 मिनट से। चलो चलो, नहीं ये अच्छा नहीं। रुको, अब ऊँट ही लाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नीचे उतारो। अब ऐसा कीजिए, आप कोशिश करो। कौन, मैं? हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो आपको पैसे मिलते हैं। चढ़ जाइए और शुरू हो जाइए। नुकसान की कीमत आप चुकाएंगे? कोशिश कीजिए, आपको चोट नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से आप भी शाइन के बराबर फीस ले रहे हैं। मुझे पैसों के बारे में बात करना अच्छा नहीं। अच्छा, ये बात है, तो मुझे भी ऊँट पसंद है, यही ठीक रहेगा। मुझे भी ऊँट पसंद नहीं है। देखिए मैं यहाँ आकर आपके लिए कोई भला नहीं कर रहा हूँ। बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर मैं जल्दी निकल जाऊँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। रेजी दोपहर से दिखाई नहीं दे रहा। वो किसी मरीज के साथ गोल्फ खेलने गए हैं, जैनत या जोना के साथ। मुझे नहीं लगता वो आ जाएंगे। जाओ मजे करो। मैं जरा ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, पैलेडियम में। बाय, गुड लक। कैसे हैं आप? मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर पॉटरशाइन के साथ। मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है, डॉक्टर पॉटरशाइन बाहर गए, मैं उनका पार्टनर हूँ। हमारे सेक्रेटरी ने तो सब कुछ तय किया था। ओह, मैं जरा देखकर बताता हूँ। शुक्रिया। आपने अपना नाम क्या बताया? मैं महाराजा हूँ ब्रेंडा का। माफ कीजिए, आपका अपॉइंटमेंट तो अगले शुक्रवार का है। ओ, गलती हो गई, हमारी सेक्रेटरी की बेवकूफी है। हम तो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं। हम आपसे कुछ कंसल्टेशन करना चाहते हैं, हमारी पीठ के दर्द के बारे में। शेर का शिकार करते समय चोट लगी थी, लेकिन अब भी दर्द हो रहा है। शेर का शिकार? हाँ बिल्कुल सच। अच्छी बात है, आप अंदर आइए, मैं आपकी जांच करता हूँ। शुक्रिया। क्या आप अपने कपड़े उतारने का कष्ट करेंगे? कपड़े? हाँ, सिवाय ये नहीं उतारता। जानता हूँ। मुझे रेजी से मिलना है। बात यह है कि आप उनसे अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि आज मुझे रेजी से मिलना ही होगा। मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं लगता। आपको कैसे पता होगा? रेजी को ही पता होगा। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? बस नहीं जा सकती। क्या वो अंदर है? वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझसे कतरा रहे हैं। मुझ पर यकीन कीजिए, अंदर मेरा पेशेंट है। मुझे यकीन नहीं है, मैं खुद जाकर देखूंगी। आप अंदर नहीं जा सकती। अच्छा तो मैं ही बुला लेती हूँ। ऐसा मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे रेजी चाहिए। पर मैंने आपसे कहा ना कि वो किसी के साथ गोल्फ खेलने गए। किसके साथ? उस बिल्ली जोना के साथ। हाँ, शायद हो भी सकता है। अरे ये क्या कर रही हो आप? आपने ऐसी हरकत? हाँ, मैंने किया। आप हरकतें बंद कीजिए, नहीं तो मैं। प्लीज मुझे घर ले चलिए।
मैं आपको नहीं ले जा सकता, मैं टैक्सी मंगवा देता हूँ। मुझे घर ले चलिए, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। अंदर मेरा मरीज इंतजार कर रहा है। अगर आप घर नहीं छोड़ेंगे तो मैं बाहर बैठकर चिल्लाती रहूंगी जब तक रेजी नहीं आएगा। आपकी जगह मैं होता तो ऐसा नहीं करता। लेकिन मैं तो अभी ही चिल्लाऊंगी। ठीक है, ले चलता हूँ। अब तो खुश हैं आप, बताइए अब कहाँ रहती हैं आप? आप बहुत अच्छे हैं, मैं तो नजदीक ही रहती हूँ। ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूँ। दोपहर के वक्त जरा ब्रांडी पी ली थी ना, इसलिए इस गलती के लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, अब रहने भी दीजिए। कितना अच्छा लगता होगा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना, है ना डॉक्टर? हाँ, बहुत ही सुकून मिलता है। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और दूध पी लूं या मेरे लिए यह हानिकारक होगा, आप मुझे बताइए डॉक्टर। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हेलो एमरॉल, साइमन, कोई है? माफ कीजिए, मुझे इस मामले में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन इस तरह बैठे बैठे आप बोर तो नहीं हो रहे? कितना अच्छा लगता है कि कोई आपका हाथ पकड़े, आपको दिलासा दे। आप बहुत ही कमाल के हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो रेजी भी कमाल का है। आपने उसकी आंखों में देखा है कभी? नहीं। सम्मोहन, शैतानी सम्मोहन। माफ कीजिएगा, मुझ पे वो बात नहीं है। मैं तो बस आपको ये दिलासा दे सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी हैं। अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा, ये बात है? मुझे पूरा यकीन है। कोशिश करें तो आप भी मुझे देख सकते हैं सम्मोहन वाली निगाहों से। मैं सम्मोहित नहीं कर सकता। मैं खुद को तुम्हारी दासी समझने लगी हूं, मेरे प्यारे ओरिएंटल पोटेंटेट। ओरिएंटल पोटेंटेट, बकवास। हाँ, टोनी। हेलो प्यारे दोस्त, जब तुम नहीं आए थे तो मैं महाराज जी से बातें कर रहा था। महाराज ने मुझे कुछ सुझाव दिए हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? ये लाल रंग तो साफ करो। क्या? देर से पहुंचने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। मेरा पार्टनर स्वस्थ हो गया और काम पर आना चाहता है, और तुम भी तो वापस हिमालय की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे होंगे ना? रेजी, अब जब सब कुछ ठीक है तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, वो हिमालय की कहानी झूठी बात है। अच्छा, तो ये बात है। वहां पर तो ठंड और मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। तुमने यह बहुत अच्छा काम किया, औरतें तुम्हारे प्यार में दीवानी है। आश्चर्य नहीं है, अपने डॉक्टर से तो प्यार हो ही सकता है। अगर देखा जाए तो इसी वजह से तो वो जी रही हैं। जरूरी नहीं है कि उनसे सच में प्यार किया जाए। अच्छा बताओ, आगे क्या विचार है? मुझे एक नौकरी मिल गई कैंटेबरी में। अब यहाँ की तरह मजा तो नहीं आएगा, पर कुछ पढ़ाई हो जाएगी। मुझे सर्जिकल में जाना है। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुड बाय मेरे प्यारे बच्चे, और शुभकामनाएं भी। रुक जाइए प्लीज, गाड़ी को रोकिए।
क्या आप ही इसके मालिक हैं? क्या इस गाड़ी के? हाँ मैं ही हूँ। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि सड़कों पर गाड़ी चलाने के कितने सारे नियम भी हैं। आपके गाड़ी के ब्रेक सही सलामत है? बिल्कुल सही है, बहुत ही आसानी से ब्रेक लगता है। क्या आप मुझे लगा के दिखाएंगे? अब आप गाड़ी चलाइए, मैं आपके पीछे आता हूँ। जब आपको मेरे गाड़ी का हॉर्न सुनाई देगा तो आप ब्रेक लगाएंगे। ठीक है। मैं अगर जुर्माना ग्रंथ में भर दूं तो? यकीन है आपको रेसबेरीज पसंद आएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट है ना। मिस्टर क्रॉकेट्स के फॉर्म में हर साल लोग आए जाते हैं। मेरे जैसे बूढ़े डॉक्टर के लिए यहाँ पर फायदे की बात है कि लोग यहाँ नगद के बदले सामान देकर फीस चुकाते हैं। ये क्रीम लीजिए, पोस्ट मिस्ट्रेस कंपनी की, और लीजिए ना। शुक्रिया लेता हूँ मैं। मुझे यकीन है ये जगह पसंद आएगी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। यहाँ मजा हार्ली स्ट्रीट से भी ज्यादा है। लोग यहाँ थोड़े अनाड़ी हैं। वो सोचते हैं कि ऑपरेशन करवाने से वो मर जाएंगे। सुनो जरा संभल कर आना तुम। मैं भी एक बार बुरी तरह से इसमें फंस गया था। आओ जल्दी आओ। बताइए आपको क्या तकलीफ है? यहाँ दर्द है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में खरगोश दौड़ रहा है। खरगोश? दर्द होता है? बहुत होता है। चलिए मैं आपकी जांच कर लेता हूँ। कमीज उतारेंगे? क्या उतारनी पड़ेगी? अब उतार भी दो ना। उनका हाजमा कैसा है? ओ सही डॉक्टर, बढ़िया। क्या वो दादाजी की परीक्षा लेने वाले हैं? सुनो तुम लोग जाओ यहाँ से, अगर मैं बाहर आई तो कान मरोड़ दूंगी। शैतान बच्चे। मुझे नहीं लगता इन्हें कोई तकलीफ है, मैं फिर भी कुछ दवाइयाँ भेज देता हूँ ताकि इनको नींद आ जाए। आप तो डॉक्टर हैं ना, मेरे खरगोशों का क्या होगा? उन्हें हम बाद में देख लेंगे, आप फिक्र ना करें। बहुत बदमाश है, तुमने थर्मामीटर का इस्तेमाल किया? कहाँ से करता मैं, एक था वो भी टूटा हुआ। टूटा हुआ है, ठीक है माफ करना, मेरा सामान जरा पुराना है। सब तो नहीं, अगर मैं ऐसे ही देखकर मरीज की बीमारी का पता न कर सकूं तो लानत है मेरी डॉक्टरी पर। थर्मामीटर मरीज की जीभ के नीचे रख देना, चाहे टूटा ही क्यों ना हो, इससे ज्यादा भकभक नहीं करते। हाँ मैं याद रखूंगा। अब हर बार उन्हें बोलने से मत रोकना, बोलने भी देना, वो भी बोर नहीं करना चाहेंगे। उनके रिश्तेदार तो उनकी बातें सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर ही उनके लिए मात्र जरिया है जो उनकी बातें सुने। शायद मेरी ये बात तुम्हें पुरानी लगे लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर के काम में शामिल है, इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बारे में मैंने पहले गौर नहीं किया। हाँ। आज एक आदमी आया था, उसका कहना था कि उसे हर बार सनसनी का एहसास होता है जब वो अपनी नाक को छूता है। अच्छा बड़ा ही दिलचस्प है, तुमने क्या कहा? कुछ खास नहीं, मैं लोगों का मनोविज्ञान नहीं पढ़ पाता, आप होते तो क्या कहते? मैं उससे यही कहता कि वो वाकई खुशकिस्मत है। अंदर आइए डॉक्टर। थैंक यू। बैठिए ना। आप भी बैठिए। मैं खड़ा रहना पसंद करूंगा अगर आपको एतराज ना हो तो। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? बात यह है डॉक्टर, मेरी बंदूक से एक एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा तो गोली अंदर रह गई होगी ना? जी बिल्कुल। कहां पर? अब आपको पता चल गया होगा कि मैं खड़ा क्यों हूं। अच्छा अब भला बताइए कि वहां गोली कैसे मार ली आपने? वो मेरे कुत्ते के कारण, वो मैंने अपनी बंदूक वहां कोने में रखी थी,
तो मेरे कुत्ते बेस के पंजे ट्रिगर पर। क्या मैं जरा देख सकता हूँ? क्या आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे? जी। आप कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ी राहत मिली, शुक्रिया उसके लिए। अच्छा, मैं अभी आया हूँ। डॉक्टर, क्या आप मेरी ओर से तोहफा स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं इसे नहीं ले सकता। लीजिए ना डॉक्टर, मुझे पता है डॉक्टर फर्गुसन इसे खाना पसंद करेंगे। और कैसा वक्त बिता आपका गांव में? काफी अच्छा, पर मुझे जाना पड़ेगा। सब बदल गया है और लोग भी बदल गए हैं। शुक्रिया देना होगा वेलफेयर स्टेट एंड एजुकेशन सोसाइटी वालों को। फिर भी गांव में लोग मुफ्त की चीज ढूंढते हैं। वो लोग अब भी मेरे पानी का सोर्स का इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसे दादी के जमाने में होता था। जी हाँ, वो लोग अभी भी नहीं बदले हैं। तो वाइन खोलो। कल रात मैं नदी किनारे गया था और देखता क्यों कि मेरे ही इलाके में कोई मछली पकड़ रहा है। एक आदमी किनारे पर बैठा था, उसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। जैसे उसने मुझे देखा वो भागा। मेरे पास शॉटगन थी और मैंने गोली भी चला दी। गोली उसे लगी लेकिन उसने मछली नहीं छोड़ी। कमाल था, पता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ही मछलियां खाने को नहीं मिलेंगी। कर्नल को थोड़ी वाइन दे दो बेटे, ग्लास भर दो। तो तुम जा रहे हो? जाना ही पड़ रहा है। तो लौट कर वहीं आ गए, वापस सड़कों पर। चलो पीते हैं। अब क्या इरादा है? शुक्रिया। तुम्हारी उस औरत का क्या हुआ? वो मैं आजकल उसके साथ नहीं रहता। वो एक बार मुझे रेस खेलने ले गई थी। बहुत ही अच्छा चल रहा था सब। बुक्की से बातें करते करते अचानक वो मर गई। उसे अटैक आया था। हाँ, बहुत ही आसान मौत मरी थी वो। उसने जिंदगी को भरपूर जिया, अच्छी थी। और अब क्या? पता नहीं, कुछ न कुछ तो होगा ही। तुम अपनी सुनाओ। कुछ पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं हॉस्पिटल वापस चला जाऊंगा। ओ हाँ, याद आया, मुझे कोई सॉलिसिटर को फोन करना है। जरा फोन तो दो यार। मेरे ख्याल से अपना बिंगम तो अभी भी वहीं पर होगा ना? हाँ, उसने पिछले हफ्ते डिनर के लिए बुलाया था। तुम गई थी? हाँ, एक फिश केक और चिप्स। मिस्टर वेलन, मैं डॉक्टर बेंसकिन बोल रहा हूँ। ओ, मुझे फोन करके अच्छा किया मिस्टर बेंसकिन। हम लोग संभाल रहे हैं मरहूम लेडी हॉकिंस की जायदाद को। मुझे पता नहीं कि आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन उन्होंने आपके नाम को छोड़ा है। मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ रुपए हैं, काफी बड़ी रकम है, करीब शायद 15,000 पाउंड। 15,000? वो तो आपको पता होगा कि काफी अमीर औरत थी, इसलिए शायद उन्होंने। मैं अमीर हूँ? 15,000 पाउंड? लेडी हॉकिंस मेरे लिए 15,000 पाउंड छोड़ गई है। अरे क्या बचपना है। लेडी हॉकिंस का निर्देश है कि आप इसे अपने पसंद के किसी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट को दान कर दें 6 महीने के अंदर। बेन, आप सुन रहे हैं? आप कहाँ हैं डॉक्टर बेंसकिन? हेलो, हाँ हाँ, मैं यही हूँ, बोलिए बोलिए। हम आपको अभी इस वक्त चेक नहीं दे पाएंगे, चेक आपको कुछ हफ्तों बाद ही मिल पाएगा। आप हमें फोन कर लीजिएगा। जो भी कहें आप, मैं फोन कर लूँगा। तो ठीक है, आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। गुड बाय। बाय बाय बाय। बुढ़िया तो कमाल थी, मुझे यकीन ही नहीं कि वो इतनी दयावान होगी। 15,000? तुम इससे क्या करने वाले हो? मुझे पता नहीं, अब शायद अमीरों के लिए एक नर्सिंग होम खोल दूं वेस्ट इंडीज में, या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी के क्लिनिक खोल दूं। याद आया, सबसे पहले तो मैं अपनी पुरानी खटारा कार बेचूंगा, फिर लंबी छुट्टी पे चला जाऊंगा। तुम दोनों मेहमान की तरह मेरे साथ चलोगे और वहां अपनी लेक लड़की भी ढूंढ लूंगा। टोनी। हाँ, हमें खाना खाना है। ओ हाँ, आप क्या खाएंगे सर? स्टिक चलेगा, एक हॉट डॉग भी, मेरे ख्याल से पेट भर जाएगा। जॉय, क्या? जॉय, तुम जरा पढ़ना बंद करो और डिसमिसपेसिया के बारे में बताओ मुझे। क्या बताओ, तुम क्या खाना चाहोगी डियर? ओ, कुछ भी चलेगा। इनके लिए कुछ भी ले आओ। ठीक है सर। ओ, समुद्र के पास रहो तो बहुत भूख लगती है ना। ओ, ओ, नहीं, क्या हुआ तुम्हें? हॉपक्राफ्ट। कौन हॉपक्राफ्ट? वो एक गवर्नर है सेंट सुदिन्स में,
मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था कैजुअलिटी में यार। अरे भूल जाओ उसे मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? माफ कीजिए मैडम। आप क्या पीना चाहेंगे सर? मैं पीना चाहूंगा कुछ ठंडा और स्वादिष्ट सा कुछ। ठीक है सर। शैंपेन क्लिक आउट 40 सेकंड। ठीक है सर। आपको कुछ और चाहिए? समुद्री हवा की वजह से बहुत प्यास भी लगती है ना? गुड मॉर्निंग। शायद हमारे पास वक्त है बीच पर जाने के लिए। मजेदार समुद्री हवा के कारण। ब्लैक या व्हाइट कॉफी? दोनों ही चलेगी भाई। अब ब्लैक दो। देख। क्या कर रहे हो? तुमने पहले भी मुझे छेड़ने की कोशिश की और नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। भगवान बोल रहा हूँ क्राफ्ट। वो कर क्या रहा है यहाँ पर? लगता है किसी औरत के साथ उसका कोई झगड़ा चल रहा है। चलो उसकी मदद करते हैं। माफ कीजिए मैडम। मैं आज ठीक कर दूंगी। आओ जल्दी आओ जल्दी। भगवान के लिए चुप होइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। अंदर जाइए, अंदर जाइए आप, अंदर शांत हो जाइए। पुलिस 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 पुलिस। क्या हो रहा है वहाँ पर? जल्दी आओ, क्या हो रहा है? बाजू और चाहिए। पागल हो गई है। बच के संभाल कर, संभाल। मैं आती हूँ। अच्छा, बहुत बुरा अनुभव मेरे जैसे। सचमुच बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। एक ड्रिंक लीजिए। मैं दो ले सकता हूँ? नहीं, आप हुक्म तो कीजिए डॉक्टर। ओह, तुम डॉक्टर हो? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, लगता है मैंने तुम्हें देखा है। मैं इस वक्त जुड़ा हूँ स्वेन सीटिंग से, पता है? हाँ, जानता हूँ। सुनिए, आप लोगों ने मेरी मदद की है, बदले में अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ तो कहिए, तैयार हूँ मैं। कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं सर, मुझे नौकरी चाहिए। सेंट स्वीटिंग में? क्यों नहीं कर देंगे? क्यों नहीं, मैं सब करवा दूंगा, यकीन करो। हमें आपकी तरह होशियार स्टाफ मिले तो क्या कहने। और आपको सर, क्या आप भी हमें ज्वाइन करेंगे? यह तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ और सोचा है। डॉक्टर बेंसकिन, गुड मॉर्निंग। अच्छा किया जो आप आ गए, आइए बैठिए। शुक्रिया। आपका चेक मेरे पास है। अच्छी बात। क्या हम ये चेक अपने पास ही रखें जब तक कि आप ये ना तय कर लें कि आप क्या करेंगे इसका? नहीं जनाब, मैंने तय कर लिया। मैं चेक लूंगा, ऐसे दे दीजिए। डॉक्टर बेंसकिन, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, मैं इससे बहुत कुछ करने वाला हूँ। नया वार्ड खोलेंगे? क्या है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ गार्जियन बनने के लिए, लेकिन आइडिया अच्छा लगा। डॉक्टर बेंसकिन, बेहतर होगा कि आप बिल को एक बार विस्तार से पढ़ लें। मैंने पहले भी फोन पर आपको इस बारे में बताया था, लेकिन खुद पढ़ लेना ज्यादा अच्छा है। ये लीजिए, यहाँ लिखा है। कमाल है। क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? आप जानते हैं कि क्या किया जाए। अच्छा होगा कि आप मुझे बस में जाने के लिए पैसे उधार दे दें। हाय डॉक्टर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। बस आगे ही बेंटले कॉन्टिनेंटल है, तुम्हें ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। कुछ हुआ? ऑफक्राफ्ट ने नौकरी की सिफारिश की खुसर बुड हेल्पर्स के पास। लेकिन वो तो एनेस्थेटिक्स है, जो तुम नहीं जानते। उससे क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ मशीनें तो करती है आजकल। यहाँ एक नॉब घुमाओ, वहाँ दूसरा नॉब घुमाओ, कार जैसी चलती वैसे ही। ऐसा
अगर तुमने किसी को ज्यादा एनेस्थेसिया दे दिया तो? मॉर्निंग सर लैंसलॉट। गुड मॉर्निंग जनाब। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। आई सर, आई सर। कम ऑन। ओह हेलो स्पैरो, सुना है कि तुम वापस आ गए हो। लगता है ये मेरा केस है। तो तुम्हारे बारे में क्या तय हुआ? मैं अभी कैजुअलिटी में हूँ। ओह मैं तो स्प्रेड के साथ हूँ। तुम्हें याद है सर लैंसलॉट? हाँ। पता है आजकल वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। इधर आओ और मेरी मदद करो। इस हॉस्पिटल की हालत तो कचरा पेटी की तरह है। मुझे काम के लिए इतनी दूर चलकर आना पड़ता है। ताज्जुब है कि हम लोग अभी तक इंफेक्शन से मरे क्यों नहीं है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ लड़की? बिल्कुल ठीक सर लैंसलॉट। शायद सही कह रहा हूँ। मुझे आज क्या काम करना है? एक ब्लड कैंसर का केस है और दूसरा केस है गैस्ट्रिक अल्सर का सर। हे भगवान, फिर एक और। आखिर लोगों को क्या हो रहा है? अल्सर का ऑपरेशन करना कितना बोरिंग सा लगने लगा है। कल के मरीज का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी सर। मुझे तो उम्मीद थी कि वो बचने वाला नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम स्पैरो हो ना? जी सर। दोबारा वापस आ गए? जी सर। ठीक है, लेकिन मुझसे दूर रहना। साइमन, हरा रंग पसंद आ रहा है ना तुम्हें? वो लोग तुम पर एनेस्थेटिक्स में भी नजर रखेंगे। जहां तक मुझे पता है मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ 3 श्रेणी एनेस्थेसिया की। जागो, सो या मरो। अच्छा, तुम कर लोगे? हमेशा ध्यान रखो कि स्पेगेटी को कभी ज्यादा नहीं उबालना चाहिए। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में से कुछ ज्यादा ही उबाल देते हैं, उससे स्वाद बेकार और गोंद जैसा हो जाता है। समझ गए ना तुम? स्पेंसर वेल्स। क्या मैं ऐसे करूं सर लैंसलॉट? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छा तरीका है कि 45 मिनट तक इसे उबालो और फिर पानी से बाहर निकाल लो। तुम यहाँ संभालो बेंसकिन, मैं जरा बाहर होके आता हूँ। कौन, मैं? हाँ, कोई खास बात नहीं, पल्स बराबर चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर 5 मिनट के लिए ओवन में पका लो कोलेस्ट्रिकोमिकम। एक काम करना, मुझे याद दिला देना कि मुझे एक अदरक और स्क्वीजर खरीदना है। लाओ मुझे दे दो। हाँ, तो हम लोग ढूंढते रहे और यहाँ तो ग्लेस्टोन का आकार कांच के बराबर हो गया। मैंने मरीज को तोहफे के तौर पर पेपर वेट बनाने को दे दिया। उसे कहा नहीं चाहिए तो मैंने कहा रख लो, बड़े काम की चीज है। आजकल तो कागज भी बहुत जमने लगा है मेज पर। कभी कभी लगता है कि मेरे सेक्रेटरी कहीं पागल ना हो जाए। जहां तक बिल्स का सवाल है तो बेहतर तरीके से संभाल लेती। हलाओ, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से इसे एनेस्थीसिया और चाहिए सर लैंसलॉट। जी मिस्टर एनेस्थेटिस्ट, अगर कोई मरीज ऑपरेशन के वक्त जग सकता है तो आप क्यों नहीं जग सकते? हेलो दोस्तों, तुम लोग तो जानते ही हो नन को। ओह हेलो, हम मिल चुके हैं। हेलो, मैं कह रहा था कि तुम लोग मेरा छोटा सा रिसर्च देखने कब आओगे? तुम लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीख पाओगे। क्या है वो? पहले देख तो लो। तो फिर चीयर्स दोस्तों। मुझे लगा तुम पीते नहीं हो। हर दिन तो नहीं पीता, पर आज जश्न की रात है, मेरी सगाई हो गई है, पता है तुम्हें? बधाई हो। और किससे? क्या तुम्हें नहीं पता? नन मैस्फर्सन से। अच्छा, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ हनीमून के लिए जहाँ पर तन्हाई हो और शांत माहौल हो। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ, एक छोटी सी जगह यहाँ से थोड़ी सी दूर, बहुत शांति है वहाँ पर। जगह का नाम है जजेज आर्म्स। मैं एक बार वहाँ रहा था, बड़ी ही रोमांटिक परिस्थिति में। हाँ ये ठीक है, अब याद रखने की कोशिश करो। वो लोग तुमसे एंटीबायोटिक्स के बारे में ही पूछेंगे। मैं कोशिश करूंगी। मैं चलता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है। जॉय, कोई कैसे बिंगम जैसे आदमी से शादी कर सकता है? शायद वो उससे प्यार करती हो। हाँ ये हो सकता है। लेकिन लेकिन डॉक्टर से शादी करके क्या मिलेगा? हाँ जिंदगी बिजी हो जाएगी। अच्छा तो तब होता है जब सही इंसान से शादी हो। क्या तुम रात को खाना खाओगे? No thanks. बेक्ड बीन्स नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आमलेट बनाऊंगी। जॉय तुम बहुत अच्छी हो। सोचता हूँ मैं क्या करूंगा जब तुम कोई एग्जाम पास करके यहाँ से दूर चली जाओगी। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ। मेरी जिंदगी यहीं रुक सी गई है, जैसे यहाँ के डू हैंडल्स। लेकिन ये मत भूलना कि इनके बगैर किसी का काम नहीं चलता। गुड नाइट।
गुड नाइट। साइमन, उठो उठो। अरे क्या बात है? एक कैजुअल्टी का केस आया है डॉक्टर। एक आदमी है जिसके घुटनों में दर्द है, कभी कभी बहुत ज्यादा। क्या वो बीमार लगता है? नहीं, टैक्सी में आया है। क्या वक्त हो रहा है? 3:30। बाहर काफी जोर से बारिश हो रही है। ओ डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। क्या तकलीफ है? आपको तंग करने के लिए माफी चाहता हूँ डॉक्टर। पेस्को मेरा नाम है, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई है। नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ। पता है, मैं खुद से यही कह रहा था कि अभी सारे डॉक्टर सो रहे होंगे, वो चैन की नींद सो रहे होंगे। अब बैठ जाइए। एक बात पूछूं डॉक्टर? हाँ हाँ। क्या आप जानते हैं सर लैंसलॉट को? हाँ जानता हूँ। सर लैंसलॉट ने 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन किया था मेरे पेट दर्द का। जी पता है। सब ठीक है, लेकिन कुछ दिनों पहले से मुझे दर्द होने लगा। मुझे बहुत अजीब सा लगा डॉक्टर, और आज रात जब मैं खाना खा रहा था तो मैं खांसा और मुझे लगा मेरे मुंह में कुछ है। वो एक नट था। आपका मतलब आप बादाम खाते हैं? ओ नहीं 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 डॉक्टर, वो एक मेटल नट था। उसके बाद और कुछ नट निकलते रहे और बाद में स्प्रिंग भी। रात भर में लोहे के टुकड़े मुंह से निकालता रहा डॉक्टर। देखिए मिस्टर पास्को, ये नामुमकिन है, आपको यकीन है? डॉक्टर देखिए, ये तो एक नट है, सर्जिकल डिटेक्टर का। हाँ मैंने सुना था कि मेरे ऑपरेशन के बाद कुछ खो गया था। क्या मैं आपके पेट की जांच कर सकता हूं? हाँ, टाको के दाग अभी भी है। पता है मामला गंभीर हो सकता है, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं डॉक्टर। देखिए मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो कानून का सहारा ले, लेकिन बात यह है कि मुझे कुछ हो गया तो मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं। देखो ऐसा भी हो सकता है, मुझे उस केस के बारे में कुछ याद तो नहीं है, लेकिन उस वक्त एक नई थिएटर सिस्टर थी वहां पर। तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि वो नट्स रिएक्टर के ही हैं? ठीक है तो मैं आता हूं। ऑपरेशन की तैयारी करो इमरजेंसी लेपारोटोमी के लिए। और स्पैरो, तुमने मुझे फोन करके ठीक किया। ये तो सच में टुकड़े रिएक्टर के। देखिए अब तो मुझे ये देखना होगा कि और कितने टुकड़े तुम्हारे पेट में तैर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, जब मैं यहाँ अकेले लेटा था तो और क्या निकला देखना चाहेंगे आप? कुछ और भी? हाँ जी हाँ, ये वही चाकू है ना जो कि मैकबेथ और शेक्सपियर में था, है ना? देखो ये मेरी छोटी सी रिसर्च है, इसे तुम अपने आप तक ही सीमित रखना, मैं नहीं चाहता कि इसे कोई जाने। मुझे तो लगता है आप हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोहे का टुकड़ा किस लिए? हाँ अच्छा सवाल है, ये तो काम की बात है। मेरा प्रयोग है डाइट का क्या प्रभाव पड़ता है जानवरों की प्रैक्टिस और पिगमेंटेशन पर, रंग त्वचा और उनके फर पर। देखने से तो अच्छा लग रहा है लेकिन नतीजा क्या निकलेगा पता नहीं। एंजाइम, समझे तुम? क्या? इससे बाद में इंसान की त्वचा और जेनेटिक्स पर काम किया जा सकता है। क्या? ब्रीडिंग शायद, और ये ठीक भी चल रहा है। ओ, बस सिर्फ इन दोनों की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। क्यों, क्या है वो? गिरगिट अच्छा है ना? हाँ अगर तुम्हें गिरगिट पसंद हो तो। पर मुझे पूरा यकीन है कि सर लैंसलॉट इससे प्रभावित होंगे। देखा जाए तो उनसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, अब गलती किससे नहीं होती, क्यों है कि नहीं? डॉक्टर स्पैरो, ये सब क्या है? आपको इसी वक्त कैजुअल्टी में बुलाया गया है, जल्दी चलिए। आता हूं। इस बार पहले एक्सरे निकाल लेना, नहीं तो बेचारा स्पैरो हमेशा गलतियां करता है। अंदर आइए। बैठिए मिसेज मिसेज डॉल्टन। मिसेज डॉल्टन बैठिए प्लीज, अब ठीक है। थैंक यू। बताइए क्या बात है? वो उन लोगों का कहना है कि मेरा ऑपरेशन करेंगे। ऐसा कहा? हाँ मैं बहुत घबरा गई हूँ।
लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, यहां पर हर कोई समझदार और अच्छा है। आप मुझे विस्तार से सब कुछ बताएं। देखिए, यह करीब 5 साल पहले शुरू हुआ था, मेरे पति के देहांत के बाद। मैं अब चलता हूं। गुड नाइट जॉर्ज। गुड नाइट सर लेंसलॉर्ड। अच्छा, वो जो बिंगम है ना, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बहुत ही होशियार है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं नहीं बल्कि वो ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज है। गुड नाइट जॉर्ज। गुड नाइट। मुझे पता है आप किस वजह से परेशान है मिसेस डाल्टन। कौन कर रहा ऑपरेशन? सर लेंसलॉर्ड स्प्रेड। सर लेंसलॉर्ड। आप उन्हें जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह। कैसे हैं वो? आप बहुत ही भाग्यशाली हैं मिसेस डाल्टन। वो हमारे देश के अच्छे सर्जन हैं। मुझे उन पर काफी नाज है। हाँ, उनका पेट थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, बड़बड़ करते हैं वो, लेकिन आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा। उनके जैसा काबिल डॉक्टर और कोई नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लेकिन क्या? एक बात तो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद वो और बीमार रहने लगी। देखिए, कॉम्प्लिकेशंस तो कभी कभार हो ही जाती है, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने कभी गलती की है डॉक्टर? किसने? मैंने? हाँ, की है ना। कल रात एक आदमी आया था, वो भी पता है आप ही की तरह लेट आया था। शिकायत थी कि उसके पेट में नट्स और बोल्ट्स निकल रहे हैं। ऐसा? वो तो बिल्कुल सनकित है, मैं तो परेशान हो गया था। हो सकता है वो सही भी हो, शायद वो बीमार रहे हो, लेकिन मैं उनके मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहता था। पता नहीं लोग कैसे डॉक्टर और नर्स बन जाते हैं, कितनी जिम्मेदारी होती है। बात क्या है मिसेस डाल्टन, मैं खुद भी सोचता हूँ कि लोग डॉक्टर्स और नर्सेस क्यों बनते हैं। गुजारे के लिए और भी कई काम है ना, तो ये ग्लैमर के लिए, ना तो यूनिफॉर्म के लिए, ना ही पैसों के लिए। मेरे ख्याल से वो ये महसूस करते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है जिंदगी। वो अपनी ओर से लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। क्या इसलिए आप डॉक्टर बने? कौन, मैं भी यही सोच रहा हूं। सच्चाई तो यह है कि मैं सर्जन बनना चाहता था, पर लेकिन अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अलग तरह का डॉक्टर बनूंगा। क्या आप चाय पियेंगे? जी हाँ। मैं जाकर हैरी को चाय बनाने को कहता हूँ। ये और दिलचस्प होता अगर कुछ और अलग होता, जैसे अब क्या बताऊं, उदाहरण के तौर पर हाथी, जैसे कभी कभार सफेद हाथी मिल जाता है। क्यों? बात तो ठीक है, लेकिन हाथी के खाने और उसकी आदतों के बारे में पता कैसे चलेगा? चिड़ियाघर से मिल सकता है या तो फिर सर्कस से। मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड रखते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूं? नो, कर दो तो अच्छा रहेगा। तो देख रही हो मैं कितना बिजी हूँ। हाँ पता है। अच्छी बच्ची, उनसे कहना हाथी की पूरी जानकारी दे दें। हाथी के बारे में पूरी जानकारी? सर लेंसलॉर्ड इस बात से प्रभावित होंगे। हाथी नाउ। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, मुझे गैस्ट्रेक्टोमी केस की रिपोर्ट चाहिए। मैं उस केस से खुश नहीं हूँ। जी सर। सब कुछ समय पर होना चाहिए जनाब। क्या? माफ कीजिए, मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, नाम है स्प्रैट। मैं ही हूँ वो स्प्रैट। मेरे पास आपके लिए कुछ है सर। क्या? ये मैं बिंगम नाम के सज्जन के कहने पर आपको देने आया हूँ। कहाँ है, दिखाओ। नहीं, मैंने उनसे हाथियों के बारे में जानकारी भेजने कहा था, हाथी भेजने के लिए नहीं। डॉक्टर बिंगम। जाओ। आया सर। सर लेंसलॉर्ड। आखिर सब क्या है, बताओगे? सर मेरे ख्याल से आपका कोई नया मजाक होगा। नहीं सर, ये तो डॉक्टर बिंगम कहते हैं कि हाथी की याददाश्त अच्छी होती है। जहां तक मुझे पता है, कंसल्टेंट सर्जन की याददाश्त भी अच्छी होती है। अच्छा, गुड डे। हेलो जॉय। हेलो जॉय। हेलो टॉनी। इतने उदास क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? स्प्राइट के पास।
ताकि वो हमें निकाल दे। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो। इसका मतलब तुम्हारे पास नौकरी है? मेरे प्यारे दोस्त, प्राइवेट फिजिशियन की नौकरी है महाराज ऑफ ब्रेंडा के पास। मैं खुद उनके स्टाफ के लिए क्लिनिक खोल रहा हूँ। अगर तुम्हें हाथियों की जरूरत हो तो जॉय को बोल देना। बताना भूल गया था, लेडी हॉकिंस के 15,000 मैंने सेंट स्टीवंस को दान दे दिए। मैंने उनसे सामान खरीदने को कह दिया। देखो अच्छा किया ना। आता हूँ मैं भी। हमारा बेंसकिन तो कमाल कर गया, क्या बात है। अब तुम क्या करोगे? कुछ पता नहीं, शायद जीपी करूँ या फिर मिडिल्सब्रो जाकर लोगों के तलवे, गांठ और दांत का इलाज करूंगा। तो बुराई क्या है इसमें? घबराओ मत, तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी। क्या तुम सही हो, मैं जा रही हूँ। जॉय, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। तुम क्या करोगी, नर्स बनोगी या और कुछ? शायद कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ, हॉस्पिटल से तंग आ गई हूँ। मैं प्राइवेट नर्स का काम करना चाहूंगी। कोई मालदार बुड्ढी को ढूंढ लो जो बहुत ज्यादा खाती हो मोंटे कार्लो में। बहुत मजा आएगा। क्या पता मुझे, पाम के पेड़, धूप, अमीर लोग मुझे ये आकर्षित नहीं करते। क्या बात करती है। लेकिन मोंटे कार्लो में क्या बुराई है? ये काफी दूर है मिडिल्सब्रो से। मैं हॉल में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। काम डॉक्टर स्पैरो, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे रात को 3 बजे नींद से जगाए। इतनी रात को उस मरीज को देखने जाना जो सर्जिकल सामान की उल्टियां कर रहा हो। मैं समझता हूँ सर, और माफी भी चाहता हूँ। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने पहली गलती नहीं की, इससे पहले भी तुमने बहुत गलतियां की है। नहीं सर, उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। इसका मतलब आप मुझे इस हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम्हें सर्जरी में दिलचस्पी है, तुम कहीं और जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग ये मान लेंगे कि नट्स और बोल्ट्स की फैक्ट्री ही तुम्हारे लायक है, ऑपरेशन थिएटर तुम्हारे लायक नहीं। तुम इसे कह सकते हो वोकेशन। जी हाँ है, ठीक है, मुझे वोकेशन मंजूर है। अगर आप यही सोचते हैं, एक ना एक दिन मैं साबित करके रहूंगा। कोई बात नहीं, अगर इस वक्त मेरे साथ में कोई शब्द नहीं जुड़ा है, ना मेरे पास रॉल्स गाड़ी है, नाइट के लिए मेरे पास पैसे हैं। साइमन, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और ऐसा करके मुझे अच्छा लग रहा है, और इस बार मैं माफी भी नहीं मांगने वाला। अगर आप बुरा माने तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप तो उस लायक है ही नहीं। गुड मॉर्निंग। ओह डॉक्टर स्पैरो, ये जान लो कि मैं भालू की तरह गुर्राता नहीं हूं, मैं शेर की तरह ताड़ता हूं। निकल जाओ। स्प्रेड बोल रहा हूं सिस्टर, मैं एक मिनट में आता हूं। सब तैयारी करके रखो, और ध्यान रखना कि औजार धार वाले हों। अब हम कहां जाएंगे? अब चलकर थोड़ा सा पिएंगे, इस जगह के बारे में भूल जाएंगे, उसके बाद नौकरी की तलाश करेंगे। डॉक्टर स्पैरो, उस औरत को छोड़ दो। सुनिए सब, तुम जा कहां रहे हो? मैं बाहर पीने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद नौकरी ढूंढने, समझे आप? चलो। तुम गलत दिशा की ओर जा रहे हो, ऑपरेशन थिएटर तो इस तरफ है। मैं ऑपरेशन थिएटर की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस ओर जा रहा हूँ। किस लिए? शादी करने। तुम आज शादी नहीं कर सकते, इसके बारे में बाद में सोचना। अगर तुम्हें सर्जन बनना है तो आज से ही शुरू हो जाओ। और पहला काम ये करो कि मेरे दर्जी के पास जाओ और अपने लिए सूट का ऑर्डर दे दो। तुम किससे शादी करोगे? क्या, तुमसे और किससे? अगर तुम्हें एतराज ना हो। डॉक्टर स्पैरो, मैं इंतजार कर रहा हूं।